प्रेइंग मेंटिस, जिसको हिंदी में प्रार्थना कीट बोला जाता है, और आपको वीडियो में ये सामने ग्रीन कलर की बॉडी वाला प्रेइंग मेंटिस दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, प्रेइंग मेंटिस से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी आपके अपने YouTube चैनल सिवेश सिंह विज्ञानम द स्कूल ऑफ लिविंग्स पे मिल जाएगी। और अभी जो मैं प्रेइंग मेंटिस की बात कर रहा हूँ, जिसको प्रार्थना कीट भी कहते हैं, ये देखो इसके जो फ्रंट लेग्स होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। और यदि बात करें इसकी फीडिंग हैबिट की, तो जो ये प्रेइंग मेंटिस होंगे ये कार्निवोरस नेचर के इन्वर्टिब्रेट्स रहते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स में लगने वाले छोटे मोटे कीड़े जो होंगे, डिफरेंट टाइप के पेस्ट जो प्लांट में डिजीज़ काउज करेंगे, उनको ये खाते हैं पकड़ के, ठीक है। और इवन ये मतलब कि ये कैनिबलिज्म भी शो करते हैं, मतलब अपनी ही प्रजाति के दूसरे प्रेइंग मेंटिस को भी खा सकते हैं। तो आप इसको डेमन ऑफ द इन्वर्टिब्रेट कह सकते हो, मतलब इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स का राक्षस होता है प्रेइंग मेंटिस। लेकिन फिर बात वही होगी कि आहार श्रृंखला की जब हम बात करते हैं, मतलब फूड चेन की जब हम बात करेंगे, तो फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कि डिफरेंट टाइप के फूड चेन्स जो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक होते हैं। तो एक ही जीव कहीं शिकारी होता है और कहीं शिकार होता है, जो कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है। आप देखो ये प्रेइंग मेंटिस कार्निवोरा नेचर के, ठीक है, जनरली ये प्रीडेशन करते हैं और ये शिकारी होते हैं। लेकिन आज की बात थोड़ी अलग रहेगी, आज जो है ये मकड़ी के जाल में फंस गए हैं, ठीक है। और आपको जो है मैं इसका टाइम लैप्स भी एक वीडियो बनाऊंगा, अभी से आप टाइम नोट कर लो। तो इसमें मकड़ी के जाले में उलझ गए, मतलब मकड़ी जो होती है वो ओमनीवोरा नेचर की होती है, सर्वाहारी, ठीक है। ये मांसाहारी हैं प्रेइंग मेंटिस, और ओमनीवोरा नेचर के होंगे कौन, मकड़े, मतलब स्पाइडर्स, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये स्पाइडर नेट में उलझ रहा है, ठीक है, उलझा हुआ है। और अब धीरे धीरे जो है इसका यहाँ शिकार होगा, मतलब जो शिकारी था वो अब शिकार है। तो ऐसे ही आपको अलग अलग जानकारी मिलेगी आपके अपने चैनल पे, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।